नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर आप सिर्फ उनसे ही नहीं जुड़ते जिन्हें आप जानते हैं, बल्कि कई अनजान लोगों की रिक्वेस्ट भी आपको आती होगी। अनजाने में ही सही आप उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करते होंगे, लेकिन खबरदार, अगर आप किसी भी अनजान शख्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो आपके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। क्योंकि ऐसा ही धोखा कई लड़कियों के साथ भी हुआ है जिन्होंने फेसबुक पर दिल तो एक IPS ऑफिसर को दिया था, लेकिन जब असलियत सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहने को वो दिल्ली का 52 साल का रिक्शा चलाने वाला है, लेकिन फेसबुक का हीरो बन गया है। उसने फेसबुक पर कुछ ऐसा पैतरा आजमाया कि हाई प्रोफाइल लड़कियां भी उसके फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। 100-200 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा दोस्त सिर्फ महिलाएं ही हैं। उसने कुछ ऐसी खास तरकीब अपनाई हुई थी कि लड़कियां उसे धीरे धीरे बिन मांगे अपनी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी भेज देती थी। इस रिक्शे चलाने वाले का नाम है जावेद, जिसने महाराष्ट्र में तैनात बरेली निवासी IPS नरुल हसन की फर्जी फेसबुक ID बनाई। फोटो लगाकर फेसबुक पर IPS नरुल हसन बने रिक्शा चालक जावेद के पहले 500 दोस्त फेसबुक पर थे। IPS की फोटो लगाने के बाद कुछ दिनों में ही उसके 5000 दोस्त हो गए और उसकी लिमिट फुल हो गई, जिसमें 3500 लड़कियां उसकी दोस्त थी। जावेद करीब 6 महीनों से लड़कियों से IPS की फोटो लगाकर चैटिंग कर रहा था। कई लड़कियों ने उसे फेसबुक पर आई लव यू तक कह दिया था और वो भी बदले में आई लव यू 2 लिखकर भेज देता था। यही नहीं, उसने राजस्थान की नर्स और महिला वकील समेत कई अच्छी प्रोफाइल वाली लड़कियों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे ये दोस्ती अश्लील चैटिंग में बदलती चली गई। जावेद की इस हरकत ने असली IPS ऑफिसर नरुल हसन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जिसकी फेक ID उसने बनाई थी। जो लड़कियां उससे चैटिंग करती थी उन्हीं में से एक बरेली की BCOM की पढ़ाई कर चुकी लड़की भी थी। बात तो तब बिगड़ी जब लड़की ने वीडियो कॉलिंग की जिद की। पोल खुलने के डर से जावेद उससे कन्नी काटने लगा। अब फेसबुक ID IPS हसन के नाम की थी, इसलिए लड़की ने पुलिस से नरुल हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा। वहीं नरुल हसन के पिता शमशुल हसन ने भी एक अनजान आरोपी के खिलाफ बेटे को परेशान करने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली तो पता चला कि सारा किया धरा दिल्ली के एक रिक्शे वाले जावेद का है, और 15 दिन के मशक्कत के बाद इज्जत नगर पुलिस आरोपी जावेद को दिल्ली से पकड़ कर लाई। पुलिस के सामने जावेद ने कहा कि पहले तो मुझे काफी मजा आ रहा था, पर अब सजा भुगतनी पड़ेगी ये नहीं पता था। साथ ही उसने पुलिस के सामने साफ शब्दों में कहा कि मैं प्यार मोहब्बत के लिए ही बना हूँ। गिरफ्तारी से पहले जावेद 16 लड़कियों के साथ चैटिंग कर रहा था। पूछताछ के बाद इज्जत नगर पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया और सोमवार को जावेद को कोर्ट में भी पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि जावेद का एक जवान बेटा है, उसकी पत्नी को भी पता था कि जावेद काम छोड़कर फेसबुक पर चैटिंग में लगा रहता है। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें देखकर उसकी पत्नी ने उसके 5 मोबाइल फोन तक तोड़ दिए, इसके बावजूद उसने चैटिंग बंद नहीं की। तो अगर आप भी किसी अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप भी सावधान हो जाइए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।